कहावत है कि जब इंसान को अपना भविष्य खतरे में लगता है तो वह खुद को बचाने के लिए सबसे सुरक्षित उपाय ढूंढता है। शायद ऐसा ही आभास अब एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती को हो गया है। गौरतलब है कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता केके सिंह ने मंगलवार को रिया के खिलाफ 6 अलग अलग धाराओं में बिहार पटना के राजीव थाना पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज कराया और उसके बाद में सुशांत की एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे ने भी रिया चक्रवर्ती के खिलाफ कुछ अहम सबूत बिहार पुलिस को सौंपे हैं। अब इस केस में रिया चक्रवर्ती का फंसना तय माना जा रहा है, तभी रिया केस में खुद को बचाने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है। रिया चक्रवर्ती सुशांत केस से बचने के लिए देश के जाने माने और देश के सबसे महंगे वकील को हायर किया है। देश के मशहूर वकील सतीश मणि शिंदे रिया का केस संभालेंगे। सतीश बॉलीवुड एक्टर सलमान खान और संजय दत्त का केस भी हैंडल कर चुके हैं। जी हाँ, सतीश मणि शिंदे वही वकील हैं जिन्होंने 1993 में मुंबई सीरियल बम ब्लास्ट में संजय दत्त को गिरफ्तारी के बाद उनका केस लड़ा था। इतना ही नहीं, सतीश तो वो वकील भी हैं जिन्होंने सलमान खान को भी काला हिरण मामले में जमानत दिलाई थी। पूरी दुनिया जानती है कि काला हिरण शिकार मामले में सलमान खान शामिल थे और निचली अदालत ने सलमान खान को सजा भी सुना दी थी। बावजूद इसके वकील सतीश मणि शिंदे ने सलमान खान को इस केस का हाईकोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में लड़ा और सबूतों के अभाव में सलमान खान को बरी भी करवा दिया। वकील सतीश मणि शिंदे की फीस एक एवरेज स्टार के पहुंच के बाहर मानी जाती है। साल 2010 की बात करें तो तब सतीश ने एक दिन के 10 लाख रुपए का चार्ज किया करते थे। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आज 2020 में सतीश मणि शिंदे की फीस कितनी होगी और रिया इस पूरे केस में कितनी मोटी रकम चुकाने वाली है। रिया चक्रवर्ती बिहार पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई है जिसमें सुशांत सिंह राजपूत केस को मुंबई ट्रांसफ़र करने की मांग की है और जमानत लेने की मांग की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रिया चक्रवर्ती की अंतरिम जमानत के लिए वकील सतीश मणि शिंदे ने मंगलवार को ही पेपर साइन कर दिए थे, क्योंकि सतीश के जूनियर वकील आनंदिनी फर्नांडिस को रिया के घर के बाहर देखा गया था। पिता ने 7 पेज की FIR में सुशांत के खाते से 15 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र होने की बात भी लिखी थी। उन्होंने लिखा था कि रिया और उनके परिवार ने जानबूझकर सुशांत को मानसिक रूप से बीमार दिखाने की कोशिश की। ऐसा माना जा रहा है कि सुशांत की फैमिली जल्द से जल्द इस केस में एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती को अरेस्ट करवाना चाहती है और अब इस मामले में बिहार पुलिस की एक टीम मुंबई भी पहुंच चुकी है। बिहार पुलिस की टीम कार्टर रोड स्थित रिया चक्रवर्ती के घर भी गई थी, लेकिन रिया चक्रवर्ती उसे वहां पे नहीं मिली। सुशांत के केस की बात की जाए तो बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी और इस्करण सिंह भंडारी भी केस की सही जांच के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। बिहार के भी कुछ नेता इसे सपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल से रूपा गांगुली भी केस की CBI जांच की मांग कर चुकी है। क्रिकेटर मनोज तिवारी, मीरा चोपड़ा, अक्षय खन्ना, शेखर सुमन और कई सेलेब्स ने सुशांत सिंह के केस में निष्पक्ष जाँच होने की मांग की है। रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करके अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।